सबसे पहले तो कान पकड़ के सॉरी 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 एक्चुअली मैं बहुत टाइम से आपके लिए कोई वीडियो नहीं ला पाई, कोई भी नॉवल की समरी नहीं ला पाई। कारण कारण मेरा आलस है, बहुत आलसी हो गई हूँ, है ना। और इसके लिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। आप सोच रहे होंगे कि ये इतनी आसानी से एक्सेप्ट कैसे कर रही है। अगर आप आज की नॉवल की समरी सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा क्यों। एक्सेप्टेंस इज द की। हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल किसे कहानी किताबें। नाम है निशा और आज एक बहुत इंटरेस्टिंग नॉवल की समरी लेकर आई हूँ एक ऐसे ऑथर की नॉवल की समरी जिससे आप सब लोग बहुत प्यार करते हैं, जिनकी नॉवल्स को आप सब ने मेरे चैनल पर भी बहुत बहुत प्यार दिया है। एक ऐसे ऑथर जिनकी नॉवल बेस्ट नॉवल ना भी हो बट बेस्ट सेलिंग नॉवल जरूर होती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ चेतन भगत की, जिन्हें आप सब लोग बहुत प्यार करते हैं। उनकी नॉवल्स हमें हमेशा समझ में आ जाती हैं, बहुत इजी लैंग्वेज होती है, बहुत इजी इंग्लिश होती है, उनकी बातों से हम कनेक्ट हो पाते हैं। और आज की नॉवल जिसका नाम है 11 रूल्स फॉर लाइफ, ये उन बाकी मोटिवेशनल नॉवल्स की तरह नहीं है जो हमारी जिंदगी बदल देंगी। हाँ, ये नॉवल हमारी जिंदगी बदलने का दावा करती है और अगर हम उन 11 रूल्स को फॉलो करेंगे तो हमारी जिंदगी जरूर बदलेगी। बट चेतन भगत का ट्विस्ट है इस नॉवल में, उनकी वो इजी बातें हैं जो हमारे दिमाग में इजीली पहुंच सकती हैं और हम उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। उनकी बातों को अडाप्ट करना शायद बाकी हुई कंपैरेटिव भी हमारे लिए आसान होगा। आई एम श्योर अगर आप इस नॉवल की समरी एंड तक सुनेंगे और उनकी बातों को अपनाएंगे तो आपकी जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। अपनी जिंदगी के 50 साल के एक्सपीरियंसेस को उन्होंने समराइज किया है इस नॉवल में। वो हमें लाइफ के वो लेसन्स देना चाहते हैं जिनसे हम अपनी जिंदगी को बहुत बहुत बेहतर बना सकते हैं, हम अपना ही बेस्ट वर्जन बन सकते हैं, हम बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं, एक बहुत खुशहाल इंसान बन सकते हैं, स्टेटस के हिसाब से बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। जानती हूँ आप कहेंगे कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बट चेतन भगत का कहना है कि मैंने ये सब कुछ किया है तो आप भी कर सकते हैं, मैंने अपनी जिंदगी को बदला है तो आप भी बदल सकते हैं। इस नॉवल में उन्होंने अपनी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो आज तक कभी डिस्कस नहीं की थी वो भी डिस्कस की हैं। बदलना चाहते हैं जिंदगी तो चलिए सुनते हैं नॉवल, जानते हैं 11 रूल्स लाइफ के जो उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी के थ्रू हम तक पहुंचाए हैं, ताकि हम इन रूल्स को बहुत अच्छे से समझ सकें। कन्वर्सेशन के फॉर्म में है नॉवल, जिसमें दो लोग हैं, एक चेतन भगत और एक जोमैटो डिलीवरी बॉय, जिसे उन्होंने लाइफ के वो 11 लेसन दिए हैं। क्यों, कैसे, क्या, ये इस नॉवल के साथ साथ हम जान लेंगे। चेतन भगत जो अपने घर पर बैठे हुए थे, जिन्होंने ऑर्डर किया था राजमा राइस जोमैटो से, जो अभी तक नहीं आ रहे थे, भूख बहुत ज्यादा लग रही थी, बार बार उन्होंने डिलीवरी बॉय को कॉल किया था बट वो कॉल नहीं उठा रहा था, उसका फोन बिजी जा रहा था। बड़ा परेशान हो रहे थे चेतन, बहुत भूख लग रही है, क्या करें, क्या खाएं, आखिर ये आदमी कहाँ स्टक हो गया है, आखिर क्यों अभी तक नहीं आ रहा। बहुत देर के इंतजार के बाद डोरबेल बजी थी और बाहर एक काला मोटा थोड़ा भद्दा सा दिखने वाला आदमी खड़ा हुआ था, जिसने कहा कि आई एम सॉरी सर, आई एम एक्चुअली वेरी सॉरी, मेरी बाइक खराब हो गई थी, मुझे वो ठीक करवानी पड़ी, इसलिए आपका ऑर्डर लेट हो गया, प्लीज़ अब मुझे गंदे रिव्यूज मत दीजिएगा, मेरी जॉब चली जाएगी। चेतन ने कहा, तुम्हारी बाइक खराब हो गई थी तो फिर क्या किया तुमने? मैं उसे ठीक करवाने गया, बट तुम्हारी लोकेशन तो चेंज नहीं हुई थी, तुम तो एक ही जगह पर स्टक थे, तुम्हारा फोन तो बिजी आ रहा था। वो लड़का थोड़ा झेप गया था। तब चेतन ने उसे उसका नाम पूछा, उसने कहा, विराज शुक्ला सर, आप मुझे गंदे रिव्यूज देने वाले हैं? चेतन ने कहा, नहीं यार, मैं तुम्हें कोई गंदे रिव्यूज नहीं दे रहा, पर मैं जानना चाहता हूँ आखिर हुआ क्या था। आई एम सॉरी सर, मैं झूठ बोल रहा था, मेरी बाइक नहीं खराब हुई थी, मेरी जिंदगी जैसे बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और खत्म हो ही जाए तो अच्छा, अब जीने के लिए बचा ही क्या है,
चेतन बहुत हैरान हुए थे। वो एक यंग लड़का लग रहा था। चेतन ने पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? उसने बताया 29। 29 साल की उम्र में वो मरना चाहता था, जीना नहीं चाहता था। कारण, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था। एक अर्पिता नाम की लड़की से वो बहुत प्यार करता था। वो जो एक गांव में रहता था, वहां से शहर आया था, मुंबई आया था। उसकी गर्लफ्रेंड भी मुंबई आ गई थी। उसे लग रहा था कि वो उसके लिए मुंबई आई है। बट यहाँ आने के बाद उस लड़की का किसी और अमीर लड़के के साथ अफेयर हो गया था। वो लड़का जिसके पास कार थी, जो हैंडसम था, और विराज, उसका कहना था कि वो जितना अर्पिता को प्यार करता है उतना उसे कोई नहीं कर सकता। और अर्पिता ये बात नहीं समझती। एक अमीर लड़के के लिए उसने विराज को धोखा दिया है। विराज के साथ सब कुछ बहुत बुरा हो रहा है क्योंकि उसकी किस्मत खराब है। हम हमेशा अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स के लिए अपनी किस्मत को दोष देते हैं, दूसरों को दोष देते हैं। यही सब कुछ विराज भी कर रहा था। और चेतन ये सब कुछ देख रहे थे, सुन रहे थे, समझ रहे थे और विराज को समझाना भी चाहते थे। चेतन के आधे घंटे के बाद एक स्काइप पर मीटिंग होने वाली थी। उन्होंने देखा टाइम, थोड़ा टाइम तो था। उन्होंने विराज को अंदर बुलाया, उसे पानी दिया, उससे पूछा खाना खाओगे। विराज के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। किसी ने कभी उससे पानी नहीं पूछा था। खाना तो बहुत दूर की बात है। विराज ने मना किया था, बट फिर भी चेतन ने कहा कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। और दो प्लेट ले आए, थोड़े से राजमा चावल उन्होंने विराज को दिए, कुछ अपनी प्लेट में डाले। खाना शुरू किया और विराज से पूछा, सुनाओ अपनी कहानी। विराज ने कहा, सच में आप मेरी कहानी सुनना चाहते हैं? चेतन ने कहा, हाँ सुनना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ क्या हुआ था। तब विराज ने बताया कि कम से कम 30-40 बार कॉल करने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड ने आज फाइनली उसका फोन उठाया था और वो अपनी गर्लफ्रेंड को कन्विंस करना चाहता था, उससे बात करना चाहता था। इसलिए काफी देर तक वो स्टक हो गया था, जिसकी वजह से चेतन का ऑर्डर लेट हो गया था। विराज बहुत रो रहा था, पर जाना चाहता था। अब अगर अर्पिता ही उसकी जिंदगी में नहीं है, अगर अर्पिता ही उसके साथ नहीं रहना चाहती, तो जीने का क्या फायदा? जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं था। चेतन ये देखकर बहुत हैरान हो गए थे। उन्होंने विराज को समझाने की कोशिश की। तब विराज ने कहा कि आप जो इतने बड़े घर में रहते हैं, जिनके पास इतना पैसा है, शानो शौकत है, वो क्या समझ पाएंगे कि एक जोमैटो के डिलीवरी बॉय की लाइफ कितनी मुश्किल होती है? वो क्या समझ पाएंगे फेलियर का मतलब? चेतन ने पूछा, क्या वो लड़का चबी है तुम्हारी तरह? विराज ने कहा, नहीं वो तो स्लिम है। चेतन ने कहा, अच्छा किस्मत, क्या वो किस्मत से स्लिम है? विराज ने बताया कि उसने हिस्ट्री में मास्टर्स की है, पर कोई नौकरी नहीं मिली। ये तो किस्मत ही है ना, अगर अच्छी किस्मत होती तो नौकरी जरूर मिल जाती। चेतन किस्मत में विश्वास नहीं रखते, वो काम करने में विश्वास रखते हैं। उन्हें लगता है कि किस्मत कुछ नहीं होती, जो होती है वो हमारी मेहनत होती है। चेतन ने विराज को समझाना शुरू किया, बताना शुरू किया। उन्होंने कहा कि इस दुनिया के लोगों को 3 लेवल्स या फिर 3 हायरार्कीज में डिवाइड किया जा सकता है। जो पहला लेवल है, जो पहली हायरार्की है, जो है इलीट क्लास, जिसमें आते हैं बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल्स, जो बहुत अमीर लोग हैं, जो बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, हमारे पॉलिटिशियंस, जो इस दुनिया को कंट्रोल करते हैं। जो वो पहनते हैं वही फैशन बन जाता है, जो वो करते हैं वही बेस्ट होता है। और ये लोग टोटल पॉपुलेशन का 1% से ज्यादा नहीं है, बट स्टिल दुनिया की पॉपुलेशन देखें तो ये भी एक अच्छा खासा नंबर है। ये लोग रहते हैं एक आयरन गेट के पीछे, जहां लोअर क्लास के लिए पहुंचना बहुत बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है। सेकेंड हायरार्की है अपर मिडिल क्लास लोगों की, वो बिजनेसमैन, वो प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, जो एक अच्छी जॉब कर रहे हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, वो इन गेट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। वो लोअर क्लास को या लोअर मिडिल क्लास को अपर क्लास तक नहीं जाने देते। वो मेक श्योर करते हैं कि लोअर क्लास के लोग उन तक ना पहुंचे। पर सोशल मीडिया ने एक बड़ा रोल प्ले किया है, ये हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू अपर क्लास के लोग क्या पहन रहे हैं, कौन सी पार्टीज कर रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, क्या खा रहे हैं, सब कुछ हमें पता है, कहाँ घूमने जा रहे हैं, और हर कोई वहां जाना चाहता है। उन्होंने विराज से पूछा, क्या तुम उस इलीट क्लास में शामिल होना चाहते हो?
विराज ने कहा हाँ बट ये तो इम्पॉसिबल है ना। चेतन ने कहा इम्पॉसिबल नहीं है, 90% लोग इस दुनिया के हैं लोअर मिडिल क्लास या फिर पुअर पीपल जो कि लेबर का काम करते हैं, जो इन लोगों के सारे काम करते हैं, इन लोगों की प्रॉब्लम्स दूर करते हैं, इन लोगों की लाइफ को इजियर बनाते हैं। बहुत ही एक्सेप्शनली कोई ऐसे लोग होते हैं जो इलीट क्लास तक, फर्स्ट हायरार्की तक पहुंच पाए, बट वहां तक पहुंचने का एक सीक्रेट रास्ता है और चेतन हमें वो सीक्रेट रास्ता बताना चाहते हैं। क्या आप भी उस इलीट क्लास तक पहुंचना चाहते हैं? तो आप भी ये सीक्रेट रास्ता जान सकते हैं। अपने 50 साल के एक्सपीरियंसेस से चेतन बता रहे हैं ये 11 रूल्स फॉर लाइफ जो कि हमें उन इलीट लोगों तक पहुंचा सकता है, इलीट लोगों में शामिल करवा सकता है। अगर आप ये 11 रूल्स फॉलो करेंगे तो आप टॉप पर जरूर पहुंच जाएंगे। चेतन का कहना है मैं पहुंच गया तो आप क्यों नहीं पहुंच सकते। ये लाइफ के 11 रूल्स हमें और कोई नहीं बताने वाला। चेतन जो हम सबकी परवाह करते हैं, हम सबसे प्यार करते हैं, हम सबकी बेहतरी चाहते हैं, वो हमें ये 11 रूल्स लाइफ के बता रहे हैं जिससे हम सक्सेसफुल बन सकते हैं। पर अगर आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, इलीट क्लास में शामिल होना चाहते हैं, तो चाहिए बहुत सारा फोकस और बहुत सारा कमिटमेंट। उन्होंने विराज से पूछा क्या तुम तैयार हो? विराज ने कहा हाँ मैं तैयार हूँ। यहां से हम जान सकेंगे लाइफ के वो 11 रूल्स जो चेतन ने विराज को एक एक करके बताए, एक दिन में सिर्फ एक रूल, ताकि आप उसे अच्छे से समझ सके, उसे अडैप्ट करने की कोशिश कर सके। उन्होंने विराज से कहा कि कल मैं इस रेस्टोरेंट से खाना मंगाऊंगा और तुम वहीं पर खड़े रहना ताकि मेरा खाना तुम ही लाओ। विराज ने कहा ठीक है, मैं अपने बाकी फ्रेंड्स को भी कह दूंगा कि आपके घर का अगर कोई ऑर्डर हो तो वो मुझे ही दें। और इस तरह से रोज विराज ने लंच लेकर चेतन के घर आना शुरू कर दिया और जाना शुरू कर दिया लाइफ का एक एक रूल। पहला रूल जो हम सब जानते हैं कि बहुत जरूरी है बट उसे इग्नोर करना हमारे लिए बहुत आसान है। फर्स्ट रूल फॉर लाइफ है नेवर इग्नोर योर फिटनेस। जी हाँ, अगर हम फिजिकली फिट होंगे तभी हम मेंटली भी फिट होंगे। ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं और अगर हम हेल्दी होंगे तभी हम सक्सेसफुल बन सकेंगे। सक्सेसफुल बनने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी, हार्ड वर्क। और अगर आप फिजिकली मेंटली फिट नहीं हैं तो आपके अंदर एनर्जी भी नहीं होगी और आप हार्ड वर्क भी नहीं कर पाएंगे। अब इसे इग्नोर करना भी बहुत आसान होता है और हमारे लिए एक्सक्यूजेस बनाना भी बहुत आसान होता है। ऐसा ही कुछ विराज भी कर रहा था। उसने कहा कि मैं कैसे अपनी फिटनेस पर ध्यान दूं, मेरे पास टाइम ही नहीं होता। आप छोटे हैं, लंबे हैं, आपके फीचर्स कैसे हैं, ये सब कुछ तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बट आप अपनी फिटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने आप को फिट बनाकर, हेल्दी बनाकर अपनी अपीयरेंस को बहुत इन्हांस कर सकते हैं। विराज जो काला था बट अगर वो पतला होता तो वो अच्छा हैंडसम दिखता, मोटा होने के कारण वो बहुत अजीब दिख रहा था। विराज को अपने ऊपर थोड़ी शर्म आई। तब चेतन से पूछा कि क्या करना होगा फिटनेस के लिए। चेतन ने कहा फिटनेस के लिए 3 मेन फैक्टर्स हैं, 3 चीजें हैं जिन पर आपको कंसंट्रेट करना होगा। पहला स्लीप, दूसरा डाइट और तीसरा एक्सरसाइज। अगर आप सही समय पर सोते हैं, सही समय पर उठते हैं तो आप एनर्जेटिक रहते हैं। एनर्जेटिक रहेंगे तभी आप बाकी चीजें भी अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपकी डाइट अच्छी होगी तभी तो आप हेल्दी होंगे। और अगर अभी मैं हेल्दी डाइट पर डिटेल में बात करने लगी तो पूरी वीडियो उसी पर बन जाएगी। इसके लिए आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, जान सकते हैं कि आपको कब क्या कैसे खाना चाहिए। ये जानना आज के टाइम में, सोशल मीडिया के टाइम में, इंटरनेट के टाइम में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हम हेल्दी के नाम पर भी आजकल कुछ भी खा रहे हैं, इसलिए सही जगह पर जाना, सही इंसान से सही चीज पूछना भी बहुत जरूरी होता है। कोई तो आटे के छोले भटूरे खिला देता है ये कहकर कि ये हेल्दी हैं, बट वो तले हुए हैं, ये हम इग्नोर नहीं कर सकते। तीसरी चीज है एक्सरसाइज। डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आप 7 दिन नहीं कर पा रहे तो 6 दिन कीजिए, 5 दिन कीजिए, बहुत ज्यादा नहीं तो कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा तो आपको करनी ही चाहिए। जो बाकी के 2 दिन है उनमें आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूटीन हमें बनाना ही चाहिए। एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूजेस विराज के पास भी थे इन सब चीजों के एक्सक्यूजेस। विराज ने कहा कि सोने का टाइम फिक्स नहीं हो सकता क्योंकि काम का टाइम फिक्स नहीं है।
डाइट के लिए पैसे चाहिए होते हैं जो विराज के पास नहीं है। एक्सरसाइज के लिए टाइम चाहिए होता है, वो भी तो विराज के पास नहीं है। चेतन ने कहा, अच्छा फोन दिखाओ। फोन दिखाया, 4 घंटे का स्क्रीन टाइम। चेतन ने पूछा, क्या करते हो? तब विराज ने कहा, 1-2 घंटे तो काम के लिए निकल जाते हैं और बाकी के 2 घंटे, क्या 2 घंटे काफी नहीं है एक्सरसाइज करने के लिए, अपनी स्लीप को सुधारने के लिए? विराज की आंखें झुक गई थी। ये 2 घंटे वो फोन पर अर्पिता को स्टॉक करता था और उसकी वजह से अपनी लाइफ को और हेल बनाता जा रहा था। मेंटली भी डिस्टर्ब था और फिजिकली भी अनफिट होता जा रहा था, जिसकी वजह से उसे और लोग भी नापसंद कर रहे थे। कोई अच्छी जॉब भी उसे नहीं मिलने वाली थी। अब ये पेरेंट्स हर चीज में मैटर करती है। तब विराज ने कहा, पर हेल्दी डाइट, उसके लिए मैं पैसे कहाँ से लाऊं? चेतन ने कहा कि आई एम श्योर छोले भटूरे से सस्ते होते हैं 1 किलो खीरे, और आप खीरे खा सकते हैं, आप गाजर खा सकते हैं, 1 प्लेट दाल रोटी मोमो से तो सस्ते ही पड़ते हैं। इसलिए ये भी बहुत लेम एक्सक्यूज है कि हेल्दी खाना खाने के लिए हमें पैसे चाहिए। शुगर कट करने के लिए आपको पैसे तो नहीं चाहिए, इनफैक्ट आप पैसे बचा ही रहे हो। विराज को अभी भी लग रहा था कि ये सब कुछ कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल। तब चेतन ने उसे अपनी जिंदगी की सच्चाई बताई। चेतन ने बताया कि जब वो छोटे थे वो बहुत मोटे थे, उनकी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम्स थी। फादर जो कि आर्मी में थे बहुत स्ट्रिक्ट थे, मदर और फादर की बनती नहीं थी, हमेशा लड़ाई झगड़ा होता था, पापा उन्हें बहुत मारते थे और वो उस सिचुएशन को एस्केप करना चाहते थे। एस्केप करने के लिए वो अच्छा खाना खाते थे जिससे वो और ज्यादा अनहेल्दी होते जा रहे थे, मोटे होते जा रहे थे। तो फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर पाते थे, गेम्स नहीं खेल पाते थे। उन्होंने अपने आप को मना लिया था कि ये मेरा जॉनर नहीं है, मैं सिर्फ पढ़ाई पर कंसंट्रेट करूंगा और इस सिचुएशन से बाहर निकलूंगा। उन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ना शुरू तो कर दिया था, पर जब आप फिजिकली अनफिट होते हो, जब फैमिली में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाते हो। और इस मेंटल डिस्टर्बेंस का फायदा उनकी नेबर में एक लड़के ने उठाया था। जब वो 10 साल के थे, वो लड़का सिर्फ 15 साल का था और उसने चेतन को सेक्सुअली मोलेस्ट किया था। अपनी बॉडी के साथ कुछ ऐसी चीजें करने को कही थी जो बहुत इनअप्रोप्रिएट थी, एटलीस्ट उस एज के बच्चे के लिए, पर चेतन उस समय नहीं समझ पाए थे। ये सुनकर विराज बहुत हैरान हुआ था, चेतन का बचपन भी इतना टफ रहा होगा? चेतन ने कहा, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है विराज, लाइफ बहुत मुश्किल है और हमें उसे आसान बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। चेतन के लिए सब कुछ बहुत मुश्किल था, पर उन्होंने बहुत मेहनत की। जब वो बड़े होते गए, IIT उन्होंने क्लियर कर लिया, तब भी कहीं ना कहीं उनके अंदर शर्मिंदगी थी अपने शरीर को लेकर, अपने मोटापे को लेकर। और फिर उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत करके वो फिजिकली फिट हो गए। अगर वो हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं? हमें भी एक मोटिवेशन चाहिए कि हम लोगों के सामने अच्छा दिखना चाहते हैं और उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी। सिर्फ अच्छा दिखना नहीं है, अंदर से हमारा शरीर अगर सही होगा तो बाहर से हमारे चेहरे पर खुशी होगी, एक चार्म होगा, एक चमक होगी जिससे लोग अट्रैक्ट होंगे, लोग हमें पसंद करना शुरू कर देंगे। जानते हैं एक्टर जॉन इब्राहिम की सबसे फेवरेट मिठाई कौन सी है? काजू कतली। और उन्होंने पिछले 12 सालों से उस काजू कतली को टच भी नहीं किया है। इसे कहते हैं मेंटल स्ट्रेंथ। और अगर हमारे अंदर ये मेंटल स्ट्रेंथ आ जाए ना, तो हम आराम से अपनी फिटनेस पर ध्यान दे सकते हैं, फिजिकली फिट हो सकते हैं। इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी और उसके तरीके भी आगे के लाइफ के रूल्स में हमें मिल जाएंगे। चेतन ने विराज से कहा कि आपकी लाइफ की सबसे बड़ी, सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी फिटनेस। अगर मैं अपने औकात से बाहर आ सकता हूँ, ये सब कुछ अचीव कर सकता हूँ, तो तुम भी कर सकते हो। अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करना शुरू करो। विराज ने कहा, ठीक है सर, मैं आज से ही शुरू कर दूंगा। लाइफ का दूसरा रूल कौन सा है? चेतन ने कहा, एक दिन एक रूल, ताकि आप उसे अच्छे से अपने दिमाग में बिठा सके। नेक्स्ट डे विराज फिर से चेतन का लंच लेकर आया और इस बार उसने चेतन के साथ लंच शेयर करने से मना कर दिया। कहा कि मैं ऑलरेडी सैलेड खा चुका हूँ, मैंने सुबह रनिंग भी की है और अब मैं अपनी फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दूंगा। चेतन ने तब उसे बताया सेकेंड रूल फॉर लाइफ, मास्टर योर इमोशंस। वाइज मैन आर मास्टर्स ऑफ देयर इमोशंस एंड फूल्स दे आर देयर स्लेव्स। हमें रैशनली सोचना चाहिए। अगर हम रैशनली सोचेंगे, इमोशनल फूल नहीं बनेंगे, तो लाइफ बहुत बेहतर हो पाएगी। लाइफ में हम अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। हमारे ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, एक रैशनल ब्रेन होता है और दूसरा जो कि
इंफॉर्मेशन को इमोशनली प्रोसेस करता है। अगर हम इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाकर चल सके तभी हम दुनिया को रूल कर सकते हैं। एक बहुत ही स्मॉल परसेंटेज ऑफ लोग जो ऐसा कर पाते हैं वही हमारे रूलर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल इमोशन लेस हो जाएं। इमोशंस होना बहुत जरूरी है। प्यार, दुख, दर्द, हर चीज को आपको महसूस करना चाहिए, बट उसे अपने रैशनल माइंड पर, अपनी जिंदगी पर हावी होने नहीं देना चाहिए। ये एक टू स्टेप प्रोसेस है। पहले आपको जानना चाहिए कि आप कितने रैशनल हैं और कितने इमोशनल हैं। आपको अपना करंट स्टेट ऑफ माइंड आइडेंटिफाई करना होगा। क्या आप सारे डिसीजंस इमोशनली लेते हैं? आपका रैशनल माइंड किस हद तक आपके इमोशनल माइंड को कंट्रोल कर पा रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। आपको 100% रैशनल या फिर 100% इमोशनल नहीं होना, बट आपको अपने रैशनल माइंड को इतना डोमिनेंट तो बनाना है कि वो आपके इमोशनल माइंड को कंट्रोल कर सके, उसे बता सके कि कैसे रैशनल डिसीजंस लाइफ में लेने हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें शॉर्ट टर्म गोल्स पर ध्यान नहीं देना होगा, लॉन्ग टर्म गोल्स बनाने होंगे। आज क्या खाना है, आज मीठा खाना है, उससे हमें खुशी मिलेगी? नहीं। लॉन्ग टर्म गोल क्या है? हेल्दी बनना। जब आप हेल्दी हो जाएंगे, जब आप स्लिम हो जाएंगे, लोग आपकी तारीफ करेंगे तो आपको कितनी खुशी मिलेगी। अगर आपके सामने रसगुल्ला पड़ा है, वेट ऑलरेडी बहुत बढ़ गया है, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, तो आपका रैशनल माइंड इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो इमोशनल माइंड को समझा सके, आज नहीं 3 दिन के बाद खाएंगे या 1 हफ्ते के बाद खाएंगे या वीक में 1 बार ही हमें कुछ मीठा खाना है, जो भी जैसे भी। आपका रैशनल माइंड इतना कैपेबल होना चाहिए, आपको उसे इतना कैपेबल बनाना होगा। इसलिए सबसे पहले जब आपने जान लिया कि आप कितने इमोशनल हैं, कितने रैशनल हैं, तो सेकंड स्टेप होगा रैशनल माइंड को डोमिनेंट बनाना। आपको अपने रैशनल माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। आपको अपने आप को समय समय पर समझाना पड़ेगा कि आपको शॉर्ट टर्म गोल्स पर ध्यान नहीं देना, वो छोटी छोटी खुशियां नहीं चाहिए, चाहिए बड़ी खुशी। आज पढ़ना होगा कैसे भी करके, 6 घंटे 8 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी ताकि कल वो एग्जाम क्लियर कर सको आप, और आपकी लाइफ का जो बड़ा गोल है, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, आईएएस ऑफिसर बनना या कुछ भी, उसे आप अचीव कर सको। अगर आज आपको लगेगा कि बिंज वॉचिंग करके मुझे खुशी मिल रही है, तो कल की खुशी, वो बड़ी खुशी आप खो देंगे। इसलिए अपने माइंड को ट्रेन कीजिए। विराज ने सोच लिया था कि वो भी अपने माइंड को ट्रेन करेगा, अपने माइंड को उतना इमोशनल नहीं होने देगा और अर्पिता के बारे में सोचना बंद कर देगा, सोचेगा अपनी जिंदगी के बारे में, लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में। उसे जिंदगी में कुछ तो करना है, एक बेहतर इंसान बनना है। अर्पिता के पीछे भागते रहने से कुछ नहीं होगा। वो चेतन को लेकर काफी भावुक हो गया था। चेतन ने कितना कुछ सहा है, उसका बचपन कितना मुश्किल था, उसके बावजूद भी आज वो इतना स्ट्रांगली सब कुछ फेस कर पा रहा है। एक सोसाइटी में बड़ी जगह उसने बना ली है। विराज चेतन से इंस्पिरेशन ले रहा था और सोच लिया था कि उसे भी कुछ ना कुछ करना ही होगा। पर पहले जानने हैं ये 11 रूल्स। विराज ने पूछा, 3rd रूल? चेतन ने कहा, नहीं, 3rd रूल हम जानेंगे कल। और अगले दिन एक बार फिर विराज लेकर आया चेतन का लंच और उसे बताया चेतन ने लाइफ का 3rd रूल, पुट योरसेल्फ फर्स्ट। अगर आप अपने आप को प्यार नहीं करेंगे, अगर आप अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, तो क्या कोई और देगा? नहीं, कोई नहीं देगा। सबसे पहले आपको अपने आप को प्यार करना होगा, अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फिश बन जाइए और सिर्फ अपने बारे में सोचिए। नहीं, सिर्फ अपने बारे में नहीं, पहले अपने बारे में, उसके बाद बाकियों के बारे में, चाहे वो आपकी फैमिली हो या कोई भी हो। क्योंकि अगर आप खुश नहीं होंगे तो खुशियां नहीं बांट पाएंगे। अगर आप अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो आप किसी को इम्पोर्टेंस नहीं दे पाएंगे। इसलिए अपने आप से प्यार करना सीख लीजिए। चेतन ने यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल बताया था। एक आदमी जैसे अगले दिन सुबह जल्दी काम पर जाना था, जल्दी सोना चाहता था, जब घर आया तो उसकी वाइफ ने कहा कि उसे मॉल में शॉपिंग करने जाना है, बच्चों ने कहा कि बाहर डिनर करने जाना है, गेम खेलना है। अगर उन लोगों की खुशी के बारे में सोचता तो वो बाहर चला जाता, रात को लेट आता, सुबह जल्दी उठना ही पड़ता, पूरा दिन चिड़चिड़ापन रहता, नींद में रहता, काम इफेक्टिवली नहीं कर पाता और उस वजह से फ्रस्ट्रेशन हो जाती, घर आकर बीवी और बच्चों से लड़ाई करता।
अल्टीमेटली वो बीवी और बच्चे भी उसी को ब्लेम करते कि अगर ऐसा ही था तो क्यों गया तू हमारे साथ, अब क्यों एहसान जता रहा है। इसलिए उस आदमी ने रैशनली डिसीजन लिया, उस आदमी ने अपने आप को इम्पोर्टेंस दी और अपनी वाइफ और बच्चों को समझाया कि आज नहीं जा सकेगा क्योंकि कल उसे जल्दी ऑफिस जाना है। अगले दिन जल्दी ऑफिस गया, काम किया, काम सब कुछ अच्छे से हो गया और उसके बाद वो अपने बीवी बच्चों को आराम से घुमाने ले जा पाया, खुशी अपने आप को दी तो खुशियों को बांट भी पाया। इसी तरह हमें भी लाइफ में डिसीजंस देने चाहिए, अपने आप को प्यार करना सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही चेतने विराट से भी कहा, अपने आप को प्यार करो, अगर तुम अपने आप को प्यार करोगे तभी कोई और तुम्हें प्यार करेगा। अगर तुम अपने आप को लेट डाउन करते रहोगे कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो बाकी लोग भी तुम्हें यही मैसेज देंगे, यूनिवर्स भी तुम्हें यही मैसेज देगा। इससे सबसे पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, कहो कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ और मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मेरे अंदर कैपेबिलिटीज हैं। अच्छा सोचोगे तो अच्छा कर पाओगे। विराज की जिंदगी में चेंजेस आने शुरू हो गए थे, विराज ने अपने आप को बदलना शुरू कर दिया था, उसने इंस्टाग्राम पर अर्पिता को ब्लॉक कर दिया था, ना वो वहां होगी ना वो देखेगा। अब उसने अर्पिता को स्टॉक करना बंद कर दिया था, अपने बारे में सोचना शुरू किया था, अपनी हेल्थ के बारे में सोचना शुरू किया था, अपने करियर के बारे में सोचना शुरू किया था, क्या करना है उसे लाइफ में वो सोचना शुरू किया था। तब चेतन ने बताया था उसे 4th रूल फॉर लाइफ, मास्टर सिंपल इंग्लिश। आप कहेंगे कि क्यों इंग्लिश आना क्यों जरूरी है, इंग्लिश के बिना क्या हम सर्वाइव नहीं कर सकते? कर तो सकते हैं, पर खुद बताइए कि अगर कोई छोटा सा सेल्समैन भी आता है वो आपसे इंग्लिश में बात करता है तो आप इम्प्रेस होते हैं या नहीं होते? होते हैं ना। इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है पर हमारी कंट्री में सब लोगों ने इतने अच्छे से उसे अडाप्ट कर लिया है कि उसे हमने एक लाइफ का जरूरी हिस्सा बना लिया है। और अगर हम अच्छे से इंग्लिश बोल पाते हैं तो उससे हमारी पर्सनालिटी का एक अलग इम्पैक्ट लोगों पर जाता है। लोग सोचते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, हम इंटेलिजेंट हैं और हमारे ऊपर ट्रस्ट करने लगते हैं, उन्हें हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस आता है। अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो बहुत सारे लोगों को इम्प्रेस करके चलना होगा, इसलिए आपके अंदर कुछ क्वालिटीज तो होनी चाहिए। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है इंग्लिश को मास्टर करना। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत मुश्किल मुश्किल वर्ड्स यूज करने हैं, ऐसे वर्ड्स जो कोई समझ ही ना पाए, नहीं, ये हम चेतन से सीख सकते हैं। उनकी बुक्स में कभी ऐसे वर्ड्स नहीं होते जिनके मीनिंग हमें डिक्शनरी में सर्च करने पड़े, पर उनकी लैंग्वेज अच्छी और इम्प्रेसिव होती है। ऐसे ही हमें भी अपनी लैंग्वेज को अच्छा और इम्प्रेसिव बनाना होगा ताकि लोग हमसे इम्प्रेस हों, हमारी बात सुने, हम पर ट्रस्ट करें, हम पर कॉन्फिडेंस दिखाएं। जानती हूँ आप में से बहुत सारे लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी होगी, इसलिए आपको इस स्टेप पर वर्क करना नहीं पड़ेगा, ये स्टेप आपने ऑलरेडी अचीव कर लिया है, पर विराज ने नहीं किया था। और चेतन ने विराज को कहा था कि तुम्हें इंग्लिश सीखनी ही होगी, इतनी इंग्लिश कि किसी के साथ कन्वर्स कर सको कंफर्टेबली। अगर कोई फॉरनर आता है और उसे हिंदी नहीं आती होती तो हम उसका मजाक नहीं उड़ाते, पर अगर इंग्लिश नहीं आती तो हम अपने लोगों का मजाक उड़ाते हैं, तो किसी के सामने मजाक क्यों बनना है? फिराज ने पूछा किसके साथ इंग्लिश बोलूं? तब चेतन ने कहा किसी के साथ भी थोड़ा थोड़ा बोलो, बुक्स पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, वर्ड सीखो और उन्हें अप्लाई करो। नेक्स्ट डे और नेक्स्ट रूल फॉर लाइफ, नो चीप डोपामिन। डोपामिन आपने वर्ड जरूर सुना होगा अगर आप हेल्थ कॉन्शियस होंगे, अगर आप योगा करते होंगे, एक्सरसाइजेस करते होंगे, बहुत जगह ये वर्ड यूज होता है। डोपामिन है क्या? डोपामिन एक ऐसा क्रूशियल न्यूरोकेमिकल है जो हमारे ब्रेन की मोटिवेशन और रिवॉर्ड सर्किट को रेगुलेट करता है। हमें डोपामिन के साथ मिस नहीं करना चाहिए। अब डोपामिन के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, कुछ बुक्स पढ़ सकते हैं, जैसे कि डोपामिनेशन 3, द मॉलिक्यूल ऑफ मोर 4, बहुत सारी बुक्स डोपामिन पर इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, जिन्हें आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि आखिर ये क्रूशियल न्यूरोकेमिकल क्या है और कैसे काम करता है। हाँ, शॉर्ट में हमें चेतन ने इसके बारे में नॉवल में समझाया है, मैं अभी आपको समझाऊंगी, बट अभी मुझे लग रहा है कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है और इससे ज्यादा एक दिन में हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इट्स बेटर कि आज आप इन रूल्स पर फोकस करो, इन रूल्स को अच्छे से समझो, अडाप्ट करने की कोशिश करो। नेक्स्ट वीक मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगी जिसमें हम बाकी के सारे रूल्स डिस्कस करेंगे, और तब तक
तब तक आपको मुझे बताना होगा। आपको क्या लगता है ये सारे रूल्स हमारे लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं रेगुलरली वीडियोस लाती रहूं, तो मेरी वीडियोस को थोड़ा सा और ज्यादा प्यार देना शुरू कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। जल्दी लौट कर आऊंगी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड कीप वेटिंग फॉर मी। बाय बाय, टेक केयर।